वाराणसी में 4 साल में बढ़ी 10 गुना पर्यटकों की संख्या, श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी बड़ी वजह। वाराणसी में पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से महज 4 साल में 10 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की है, वहीं इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में पर्यटन का भविष्य बेहद सुनहरा है। कोरोना काल के पहले यहाँ पर्यटन की गति इतनी नहीं थी, वहीं इसके बाद पर्यटकों का काशी के प्रति रुझान इस कदर बढ़ जाएगा शायद किसी को भरोसा ना था। खासकर श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद तो इसमें गजब का उछल आया। इससे इतर लगातार पर्यटन के क्षेत्र में विकास से काशी में बड़ा बदलाव आया है। वाराणसी में बढ़े पर्यटकों की संख्या से आसपास के जिले, खासकर मिर्जापुर और इलाहाबाद को भी लाभ मिल रहा है। ऐसा बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से भी हो सका है। इस बार सावन श्रद्धालुओं के आने पर सारे रिकॉर्ड टूट गए, तो आम दिनों में भी स्थिति उत्साहजनक है। अमूमन बाहर से आने वाले श्रद्धालु काशी में विश्वनाथ, काल भैरव, संकट मोचन मंदिर सहित अन्य स्थानों के साथ मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी के दरबार जाते हैं। कोई ऐसा पर्व, त्योहार या महत्वपूर्ण तिथि नहीं होती जब पर्यटकों से काशी ना भर जाती हो, होटल ना फुल हो जाते हो। आगरा जैसे शहर से काशी पर्यटन के क्षेत्र में आज आगे है, तो यूं ही नहीं है। ये इंगित करता है कि आने वाला समय भारत में कहां होंगे। जाम और पार्किंग की वाराणसी की बड़ी समस्या है, इसे लेकर हम सभी को सचेत रहना होगा। कुछ और बड़े होटलों की जरूरत महसूस होती है। इन 3 स्तरों पर काम हुआ तो काशी देश ही नहीं दुनिया में पर्यटन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा। पर्यटन विभाग भी इस दिशा में कोई कसर छोड़ नहीं रहा है। यहाँ वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत 4 क्रूज संचालित हो रहे हैं, तो बजों की संख्या 50 से ऊपर हो चुकी है। रात को भी करीब लोग नौका विहार का लुत्फ ले रहे हैं। देव दीपावली के इतर गंगा आरती, पंचकोशी यात्रा, अंतर्ग्रही परिक्रमा, घाटों का सुंदरीकरण, सारनाथ का विकास और गलियों का कायाकल्प पर्यटकों को लुभा रहा है।